साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे पहल दो ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा तीन के अंतर्गत कार्यपत्रक 54, कार्यपत्रक 55, कार्यपत्रक 56, कार्यपत्रक 57, कार्यपत्रक 58 और आकलन 6। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 54 पेज नंबर 70। दक्षताएं वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगा सकें। पहला सवाल है नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई या ऊंचाई का अंदाजा लगाइए और फिर उन वस्तुओं को 42 से नाप कर लिखिए। देखिए वस्तु का नाम मेरा अंदाजा 42 लगभग लंबाई अथवा ऊंचाई। गिलास तो कितना होगा लगभग 1, बल्ला लगभग 4, बोतल लगभग 1, किताब लगभग 1, पेंसिल लगभग 1, बस्ता लगभग 3। आगे समझ में, यह था कार्यपत्रक 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 55 पेज नंबर 71। दक्षताएं आसपास देखी गई वस्तुओं के भार का अनुमान लगा सके। तो हम भार का अनुमान लगाएंगे। पहला सवाल है हल्की दिखने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। इन दोनों में से ये हल्का है, इन दोनों में से ये बांसुरी हल्की होगी, इन दोनों में से ये बोतल हल्की होगी और इन दोनों में से ये मग हल्का होगा। अगला सवाल दूसरा, हल्की वस्तु पर सही का निशान लगाइए। जो तराजू में जो हल्की होगी वह ऊपर रहेगी, तो ये हल्की है, इस तरफ ये वाली हल्की है, इस तरफ ये वाली हल्की है और इधर ये वाली हल्की है, क्योंकि हल्की वस्तु ऊपर रहेगी, भारी वस्तु तराजू पे नीचे की तरफ जाएगी। तो ये था कार्यपत्रक 55। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 56 पेज नंबर 72। दक्षताएं आसपास देखे गए बर्तनों की क्षमता का अनुमान लगा सके। तो हम बर्तनों की क्षमता का अनुमान लगाएंगे। पहला सवाल है किसमें ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, बॉक्स में सही का निशान लगाइए। जो बड़ा बर्तन होगा उसमें ज़्यादा पानी, जो छोटा बर्तन होगा उसमें कम पानी होगा। कहें इनमें बाल्टी में ज़्यादा होगा, इसमें इस तगारे में ज़्यादा होगा, इसमें इस कप में ज़्यादा होगा, इसमें इस मटके में ज़्यादा होगा, इसमें इस बोतल में ज़्यादा होगा, इसमें इस बड़े मटके में ज़्यादा होगा और इसमें इस टंकी में ज़्यादा पानी होगा। तो ये था कार्यपत्रक 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 57 पेज नंबर 74। दक्षताएं विभिन्न कामों में लगने वाले समय को समझ सकें। पहला सवाल है नीचे दिए गए चित्र को देखें और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये देखिए उठ रहा है, तो कब उठेगा, सुबह के 5 बजे, तो ये सही होगा। इसमें ये खेल रहा है, तो कब खेलेगा, शाम को 4 बजे, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। ये सो रहा है, कब सो रहा है, रात के 10 बजे। अगला है सवाल नंबर 2, मिलान कीजिए। अब ये उठ रहा है, तो कब, सुबह के 6 बजे। ये नाश्ता कर रहा है, तो कब, लंच, जैसे ये स्कूल जा रहे हैं, स्कूल कब जा रहे, 8 बजे, तो यहाँ 8 बजे का इसे मिलाएंगे। और ये लंच कर रही है, तो दोपहर में 12:30 बजे। ते था कार्यपत्रक 57। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 58 पेज नंबर 75। दक्षताएं सप्ताह के दिनों को जान सके। तो हम सप्ताह के दिनों को जानेंगे। पहला सवाल है छूटे हुए दिन को सही क्रम से मिलाइए एवं लिखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यहाँ आएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, या देखिए गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यहाँ गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में शनिवार, शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। चलिए आगे। सवाल नंबर 2, कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सितंबर 2019,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर महीने में कुल कितने दिन हैं? अब सितंबर महीने में कितने दिन है कुल, तो यहाँ 30 है, तो यहाँ 30 आएगा, क इसका सही आंसर होगा 30 दिन। सवाल नंबर दो, 11 व 25 तारीख को कौन सा वार है? 11 और 25 देखिए, 11 और 25 ये रहे, यहाँ कौन सा वार है? बुधवार। वार उसी लाइन में ऊपर चलते हैं, ये आया बुधवार, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ग वाला, बुधवार। तो ये था कार्यपत्रक 58। चलिए आगे बढ़ते हैं, आकलन 6 पेज नंबर 76। पहला सवाल है, सप्ताह के दिनों का सही क्रम बताइए। पहला सोमवार, दूसरा मंगल, दूसरा क्या होगा? देखिए यहाँ 2 पे शनिवार लिखा हुआ है, 3 पे मंगलवार, फिर 4 पे रविवार, इस प्रकार से शुक्रवार, 5 पे लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से गलत अलग अलग लिखे हुए हैं। तो पहला सोमवार, तो आपको सही क्रम बताना है, पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, ये 3 नंबर आएगा, और मंगलवार के बाद तीसरा बुधवार आएगा, बुधवार के बाद में चौथा गुरुवार आएगा, और उसके बाद में पांचवा शुक्रवार, फिर उसके बाद में शनिवार, और शनिवार के बाद में रविवार। तो ये यहाँ पे क्रम से जमा हुआ है, ये इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर दो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? नाम लिखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, नाम लिखने हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये हो गए सप्ताह के 7 दिन। अगला सवाल नंबर 3, हल्की दिखने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। या देखिए, इन दोनों में हल्की ये वाली, इन दोनों में हल्की ये वाली, और इन दोनों में हल्की ये वाली, इन दोनों में हल्की ये वाली। अगला चौथा है, किस में ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए, ज़्यादा पानी इसमें कप में, इन दोनों में, इस मटके में। तो ये था आकलन 6। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 54 से 58 और आकलन 6 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।